खरगोन जिले में तेज बारिश के चलते कई गांव जलमग्न हो गए। तेज बारिश से असन गांव ग्राम पंचायत के पोखर गांव में तो एक छोटी तलाई की पाल फूटने से आसपास के खेतों में पानी घुस गया। किसानों की लाखों रुपए की फसल पानी में बर्बाद हो गई। बताया जा रहा है पोखर में वर्ष 2007 में ग्राम पंचायत तलाई बनाई थी। तलाई बनाने के दौरान किसान और ग्रामीणों ने विरोध किया था। आप तस्वीर देख सकते हैं कैसे ग्रामीण और किसान परेशान हैं। किसानों की खड़ी फसल में पानी घुस गया है। इधर पोखर गाँव में तलाई फूटने की विधायक रवि जोशी ने निष्पक्ष जांच करने की मांग कर दोषियों पर कार्यवाही करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। देर रात कुछ गांव में पोखर हुआ, छालपा इदारतपुरा रजूर जुलवानिया रामपुरा पन्नानिया, इधर तेज बारिश हुई। तेज बारिश से भ्रष्टाचार की पोल खुली है। पोखर के अंदर एक तालाब बना था जो तालाब बह गया है। उस तालाब के बहने से किसानों के खेतों में जब पानी घुसा तो करोड़ों रुपए की फसलों को बर्बाद कर दिया उस तालाब के अंदर। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा वो तालाब, उसमें फसलें खराब हो गई, किसानों की फसलें बह गई, खेत की जमीन की मट्टी जो थी वो तक बह गई। ऐसे जो फूटने वाले तालाब हैं, रोज ऐसी अगर बारिश होगी तो रोज दो तीन चार तालाब इस खरगोन तहसील में फूटेंगे, क्योंकि सारे तालाब पिछले 15 वर्षों से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं। 2 रुपए का तालाब है, 20 पैसे में बनाया है। 20 लाख का तालाब है, 2 लाख में बनाया है, तो फूटेंगे ही। जिन गाँव में वर्षा अधिक रात में हुई उन गाँव में भी फसलें खराब हुई है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि राजस्व के अधिकारियों को तत्काल सर्वे के काम में लगा के जिन किसानों की करोड़ों रुपए की फसल बर्बाद हुई उनको तत्काल मुआवजा दिया जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।